इसराइल और हमास का युद्ध विश्व युद्ध की आहट देने लगा है। इससे एक बार फिर से भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ईरान की धमकियों से लगातार ये युद्ध अब विश्व की महाशक्तियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ी करने की आहट दे रही हैं। ईरान ने एक तरफ रूस को इस युद्ध में मदद करने की मांग की तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान को कड़ी फटकार लगाते हुए ये चेतावनी दे डाली कि अगर ईरान ने हमास और इसराइल युद्ध में जरा सी भी छेड़छाड़ करने की कोशिश मात्र की तो अमेरिका इस युद्ध का रुख ही बदल देगा। ईरान को कड़े शब्दों में चेताते हुए अमेरिका ने कहा कि ईरान अगर संभला नहीं तो फिर हम भी इसी युद्ध में कूद पड़ेंगे। इसके बाद से ही अब इस बात की आशंका होने लगी है कि क्या इजराइल हमास का युद्ध अब इस ओर जाने लगा है जहां सिर्फ विध्वंस होगा, तबाही होगी और खत्म होती जाएगी मानवता। सालों से इस बात की आशंका है कि तीसरा विश्व युद्ध किसी भी वक्त छिड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब विश्व युद्ध इस्लाम वर्सेस अदर की जंग मानी जाने लगी है, उससे ये साफ है कि ये कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ ईरान की ओर से इस्लाम के खिलाफ इस युद्ध की दुहाई दी जा रही है, उससे ये साफ है कि ये युद्ध अगर बंद नहीं हुआ तो इसकी आग कई देशों तक फैलने लगेगी। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान को चेताते हुए कहा है कि अगर ईरान उसके प्रतिनिधि या अमेरिकों पर हमला करेगा तो अमेरिका उसका खतरनाक जवाब देगा। अमेरिका की तरफ से अब यह बात सामने आई है जिसमें उसने कड़ी चेतावनी दी है, क्योंकि बाइडेन प्रशासन ईरान को इसराइल और हमास के बीच युद्ध में शामिल होने से रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है, हम नहीं चाहते यह युद्ध बढ़े और किसी प्रकार से मानवता को खतरा हो, लेकिन अगर ईरान या उसके प्रतिनिधि कहीं भी अमेरिकी कर्मियों पर हमला करते हैं तो कोई गलती न करें, हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे, हम अपनी सुरक्षा की रक्षा तेजी से और निर्णायक रूप से जरूर करेंगे। इधर इसराइल हमास के बीच युद्ध अब और भी लगातार भीषण रूप लेते नजर आ रहा है। इसराइल ने गाजा से हमास को खत्म करने की कसम खा ली है। हर बार अब इसराइल हमास के लिए इस बात का जिक्र कर रहा है कि इसराइल जल्द ही अब जमीनी हमले कर सकता है। इसराइल यह भी दुहाई दे रहा है कि अगर वो युद्ध को हार जाएगा तो पूरी दुनिया के लिए इस्लामीकरण खतरा हो जाएगा। इस बात को लेकर लगातार नेतन्याहू जोर दे रहे हैं और दूसरे देशों से अपील भी कर रहे हैं। इधर ईरान को इसराइल ने भी मिसाइल अटैक की चुनौती दी है। देखना होगा कि क्या ये युद्ध समाप्त होता है या फिर दुनिया को संकट में डालकर और भीषण खतरा पैदा करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।